सवाल पूछने लगा हूं, मुझे इन छह सवालों के जवाब चाहिए। सवाल पहला सवाल कि जब वो अमरीकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान एम्बेसडर असद मजीद को वॉशिंगटन में जब धमकी दी कि इमरान खान को अदम एतमाद में हटाओ नहीं तो हम पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर देंगे, मेरा पहला सवाल यह है कि जब मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, एम्बेसडर मेरे नीचे था तो सवाल मेरा यह है कि वो किसको पैगाम दे रहा था? प्राइम मिनिस्टर मैं था, किसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था? किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए? उसके बाद दुबई से किसने मजबूर किया दुबई को छोड़ के जाने से? और तीसरी चीज कि वो कौन था जो उसको मुंह बंद करना चाहता था? वो जब ये जो रजीम चेंज इसकी साजिश को बेनकाब कर रहा था तो वो कौन थे जो उसका मुंह बंद करना चाहते थे? और तीसरा सवाल कि सहाफियों को कौन धमकियां दे रहा है? कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है? कौन आजादी राय से खौफजदा है? वो कौन है जो चाहते हैं कि इस मुल्क में मीडिया आजाद ना रहे? वो कौन है जो सहाफियों को धमकी दे के 4 सहाफी अब तक मुल्क से बाहर चले गए, 3 सहाफियों को मारे पड़वाई हैं, 1 को जेल दी है, FIR कटवाई है? तो मेरा सवाल ये तीसरा कि वो कौन है जो इस मुल्क में हमारी आजादी लेना चाहता है हमारी आवाज बंद करके? और चौथा, वो कौन है जिन्होंने आजम खान स्वाती सेनेटर, 75 साल उसकी उम्र, उसको पहले बच्चों के उसके पोते और पोतियों के सामने मार पड़वाई और उसके बाद उसको नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया? वो कौन है जो FIA को कह रहा था, ऑर्डर दे रहा था FIA को? वो कौन था? और वो कौन था जो शहबाज गिल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, उसको उन्होंने नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया? कौन थे वो? पुलिस कहती है जी हम नहीं थे, हमें पीछे से ऑर्डर आए। कौन ऑर्डर दे रहा था? और वो कौन है जो टेलीफोन करके नामालूम नंबरों से धमकियां देते हैं लोगों को? कौन है वो? वो कौन है जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से दूर रहो नहीं तो हम तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे? वो कौन है? और मैं ये पूछना चाहता हूं, वो कौन है जो ये चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है जिन्होंने?